करते तुझे मोरनीश चाल गुलाबी साड़ी दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ सो ये गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरह से क्या करना है। और गाइस मेरे को बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि भाई इस सॉन्ग के ऊपर एक वीडियो एडिटिंग लेके आओ। सो फाइनली जो है मैं इस सॉन्ग के ऊपर एक वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूं। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या होगा, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। 960 वाला रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जिस फोटो से आप जो अपना एडिटिंग करना चाहते हो आप इजिली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, ठीक है। सिल्वर आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम स्क्रीन पे एक्सपोर्ट करना, फिर कुछ देर वेट करना, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को ऐसे डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर कोई दूसरे इमेज को ले लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन ये करना, सेव वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, ठीक है। फिर आप कुछ देर वेट करना, इमेज को सेव कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को ऐसे डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर आपको क्या करना है, कोई दूसरे इमेज को ले लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, सेव वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, फिर कुछ देर वेट करना, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को ऐसे डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, और फिर कोई दूसरे इमेज को ऐड कर लेना, ठीक है। तो गाइस इस तरह से क्या करना है कि आपको चार इमेजेस टोटल क्रॉप करके सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना, करने के बाद आपको सिंपली सेव कर लेना है। जब आप चार इमेज को क्रॉप कर लोगे इसका आपको सिंपली बैक आना है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना, ठीक है। और गाइस यहाँ नीचे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स वगैरह लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली आगे आना है जहाँ पर डबल बीट मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर आना, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा फोटो वन, तो इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा लेयर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली दो लेयर मिलेंगे यहाँ पर आगे स्टार्टिंग में। कलर फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके ऊपर से क्लिक करके अलाइट मोड से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई भी एक इमेज को सबसे पहले सिलेक्ट करना, आप यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इमेज को ऐड कर दिया हमने। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके वही सेम इमेज को ऐड कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके इमेज को ऐड कर देना यहाँ पर। फिर आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फिल पे क्लिक करके आपको अपने इसी इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी लेयर रहेगा आपका यहाँ तक, सब में क्या करना है, इसी सेम इमेज को सबसे पहले ऐड कर देना है, ठीक है। तो जिस तरह से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो आपका इजीली हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस ग्रुप को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, जहाँ पर फोटो वाला लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुप को कंप्लीट कर देते हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, करंट फिल पे जाएंगे, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके इमेजेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमने इमेजेस को सब जगह ऐड कर दिया पूरा एंड तक। आपको भी इस तरह से कर लेना है। फिर बैक आना है, ठीक है। बैक आओगे देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाओगे, इस ये देख सकते हो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपको आगे आना है, ठीक है। फिर डबल बीट वर्क मिलेगा, फोटो टू लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारा लेयर मिल जाएगा। फिर उसी तरह से क्या करना है, सेम आपको स्टार्टिंग के दो लेयर में सेम इमेज को ऐड कर लेना, इस तरह से दोनों में सेम ही इमेज को ऐड करना, और बाकी जितना भी लेयर रहेगा उसमें भी आपको इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इस पर क्लिक करेंगे, करंट फिल पे जाएंगे, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके वही सेम इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। फिर आगे आना, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके इमेज को ऐड कर देना। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ एक स्टेप इजिली, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपका इजिली एडिटिंग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले ग्रुप को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा सेकंड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। फिर आपको बैक आना है, ठीक है। और फिर यहाँ देख सकते हो हमारा फोटो वन जहाँ पर लिखा था ये ग्रुप कंप्लीट हो गया, फोटो टू जहाँ पर लिखा था ये भी कंप्लीट हो गया। फिर आपको आगे आना है, फोटो थ्री लिखा सेम इसी तरह से एडिट ग्रुप पे जाना, और सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, करंट फील्ड पे जाना, फिर कोई दूसरे इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना सबसे पहले, फिर नीचे वाले लेयर पे भी क्लिक करके वही इमेज को ऐड कर देना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है।
तो आई होप कि वो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ तक आप इसको ऐड कर लेना सबसे पहले। सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर भी इस ग्रुप को कंप्लीट कर दिया। फिर आपको बैक आना है और यहाँ से क्या करना है, फिर आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ जो हमारा फोटो 4 लिखा है इस पर क्लिक करना है, एड ग्रुप पर जाना और यहाँ पर कुछ इस तरह से लेयर मिलेगा, सेम इसी तरह से आपको इमेज को ऐड कर लेना है। तो जो भी इमेज यहाँ पर रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना करेंट फील्ड पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मीडिया में जाके इमेज को ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो ऐड हो गया हमारा इमेज और यहाँ पर जितना भी लेयर बच जाता है आपको अपने इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो जिस तरह से बताया आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका इजीली हो जाएगा बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट वाले को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर फोटो को ऐड। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा ग्रुप कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लास्ट वाले लेयर में कुछ मत ऐड करना, वो इफेक्ट है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका पूरा एडिटिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर लिरिक्स वगैरह सब जगह इस तरह से लिखा मिल जाएगा। इतना करने के बाद एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर वाला आइकन पर जाना, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।